हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम पिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इंटरनेट तो यूज करते ही होंगे, तो आपने कभी ना कभी पिंग के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पिंग है ये क्या है, और पिंग जब आप टेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको MS कहके एक वर्ड जो है देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि आप इंटरनेट के ऊपर हम काफी सारे काम जो है करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम भी हैं दोस्तों जहां पे बहुत ज्यादा स्पीड का जरूरत है, तो उस केस में आपको पिंग टेस्ट करने की जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि स्पीड यानी कि कहां पे, जैसे कि अगर आप फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम को मल्टीप्लेयर के अंदर खेल रहे हो, हम लोग नॉर्मल यूजर जो करते हैं वो इसी तरह का काम है जहां पे बहुत ज्यादा स्पीड का इंटरनेट का जरूरत पड़ता है। तो उस केस में आपको इंटरनेट का भी स्पीड जरूरत है, तो इसके लिए आपको पिंग बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों, पिंग में आखिर क्या किया जाता है? तो दोस्तों, पिंग में ये किया जाता है कि यहाँ पे देखा जाता है कोई एक डाटा किसी दूसरे कंप्यूटर के पास कितना तेजी से जा पा रहा है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर को सिग्नल भेजा, अब दूसरे कंप्यूटर अगर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो अगर वो दूसरे कंप्यूटर चालू है, तो आपके कंप्यूटर ने जो सिग्नल को उस दूसरे कंप्यूटर को भेजा, उस सिग्नल के अंदर वो दूसरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर को एक रेस्पॉन्स सिग्नल भेजेगा। तो इससे ही आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो मेजर हो जाता है। पिंग के दौरान आपका कंप्यूटर जो है वो जब भी किसी दूसरे कंप्यूटर को किसी डाटा पैकेट भेजता है, तो दूसरा कंप्यूटर जो है वो कैसे रेस्पॉन्स करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अगर आपने के कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को एक डाटा पैकेट भेजा, तो दूसरा कंप्यूटर जो है वो उसी डाटा पैकेट का, जो डाटा पैकेट आपने भेजा है, उसी डाटा पैकेट का कॉपी बना के आपको फिर से भेजेगा। तो इसी तरह से जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरह से बन जाता है, और यहाँ से ही पता कर लिया जाता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड क्या है। तो यहाँ पे एक और मजेदार चीज है दोस्तों, जैसे कि अगर यहाँ पे जो डाटा आपने भेज रहा है उसे पिंग कहते हैं, और जो डाटा जो दूसरा कंप्यूटर रिटर्न कर रहा है उसे पोंग कहते हैं। तो यहाँ पे पिंग पोंग, ये जो पिंग पोंग चीज है, यहाँ पे पिंग पोंग वो वाला पिंग पोंग नहीं है जो आप गेम में खेलते हो, बिल्कुल भी वो नहीं है, पर हाँ चीज जो है वो बिल्कुल उसी तरह से सेम है। जैसे कि अगर आपने जब भी उस पिंग पोंग गेम में आपने उस बॉल को मारा, तो आप वेट करते हो तो कि आपका जो ऑपोजिट ओपोनेंट है वो आपको कितनी देर बाद वो जो बॉल है वो वापस करेगा। जैसे कि अगर आपने इस तरह से बॉल को ठोका, तो उस तरह से आपका जो ओपोनेंट है वो भी बॉल को ठोकेगा, तो उस टाइम पे आपके बॉल का जाने का टाइम और वापस आने का टाइम एक टाइम है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं वहां पे मान लेता हूं कि एक सेकेंड लगता है आपके बॉल को मारने के बाद, जो दूसरा ओपोनेंट है वो उसको बॉल को मारने के बाद आपके तक आने तक का एक टाइम पीरियड तो लगता है, मैं मान लेता हूं वो एक सेकंड है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आप जब देखते हो कि आप जब पिंग टेस्टिंग करते हो, तो वहां पे पिंग टेस्टिंग तो नहीं, जब आप इंटरनेट का स्पीड टेस्ट करते हो तो वहां पे आपको पिंग कह के एक ऑप्शन आपको दिखता है। वो पिंग जो है वो क्या है, तो वहां पे पिंग मैंने आपको बताया क्या है, वहां पे आपको एक और छोटा सा चीज देखने को मिलता है, वो है MS। MS क्या है? MS है दोस्तों मिली सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको वहां पे बताया एक सेकेंड लगता है, यहाँ पे वो MS है एक मिली सेकेंड। जैसे कि अगर आपके जो डाटा पैकेट आपने भेज दिया किसी दूसरे कंप्यूटर को, तो दूसरा कंप्यूटर फिर से वो डाटा पैकेट का कॉपी बना के आपको फिर से भेजेगा, तो जो टाइम पीरियड लगा, जैसे कि यहां से यहां तक जाने में आप फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सेकेंड लगता है, और फिर से वहां से इस कंप्यूटर को डाटा को आने तक का एक और सेकेंड लगता है, तो उस केस में आपको जो टोटल सेकंड कितना हुआ, 2 सेकंड। तो इसी तरह से यहाँ पे सेकंड में कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि बहुत तेजी से होता है, इसीलिए यहाँ पे मिली सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 72 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड, अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है तो आपको जो मिली सेकंड देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर इनका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आपको 100 मिली सेकंड, 200 मिली सेकंड तक देखने को मिल सकता है। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन बहुत फास्ट है तो आप बहुत नीचे आपको देखने को मिलेगा। जितना कम होगा आपका इंटरनेट का स्पीड उतना ही अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा।
तो यही हो गया दोस्तों इस पिंग और ये एमएस के बारे में। मैं यहाँ पे आपको फिर से पूरी बात एक और बार समझा देता हूँ बहुत छोटे तरीके से। जैसे कि अगर आपने किसी डाटा पैकेट को यहाँ पे किसी दूसरे कंप्यूटर को भेजा, किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के कंप्यूटर को अपने डाटा को भेज दिया, अब उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का कंप्यूटर फिर से जो डाटा आपने भेजा उसका कॉपी बना के आपको फिर से भेजेगा। यहाँ पे एक टाइम पीरियड लगता है, इस टाइम पीरियड को मिली सेकेंड में बताया जाता है। जो आप देखते हो 100 मिली सेकेंड, 72 मिली सेकेंड जो आप देखते हो वही वो चीज है कि डाटा को रिसीव कर जाने के और रिसीव करने के टोटल टाइम कितना लगता है, वही दोस्तों होता है वो मिली सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया जरूर लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो पिंग से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट बच गया हो कि मिली सेकेंड या फिर स्पीड वगैरह के बारे में कुछ डाउट बच गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस लेके अपने चैनल में रोज आता रहता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसको भी प्रेस नहीं किया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, इससे ये होगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।